इस लड़की ने हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है। उसके कल्ब जहन में अपने हम उम्र नौजवान की तरह बहुत सारे एहसास और जज्बात हैं, लेकिन उसका इम्तियाज यह है कि वो अपनी फिक्र को और अपने ख्यालात को मुसव्वरी के जरिए जुबान देती है। मैं ज्यादा कश्मीर बेस्ड आर्ट करती हूँ एंड आर्ट में सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि हमारे कश्मीर में काफ़ी सारी इंस्पिरेशंस हैं जिससे आप अपने आर्ट को ग्रो कर सकते हैं। तो कश्मीर के लेर लाइक हमारा जो नेचर है, इतना ब्यूटीफुल नेचर है, तो इसमें बंदा इंस्पायर हो जाता है ईदर फोटोग्राफी की तरह और या आर्ट पेंटिंग्स बनाने के लिए। बिस्मा परवेज को कश्मीर के कुदरती मनाजिर ने बहुत हद तक मुतासिर कर रखा है और आज तक उसने इस मौजू पर कई काबिले कदर मुसव्वरी के नमूने तैयार किए हैं। आर्ट एक मीडियम है जिसके थ्रू आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट मीडियम्स, तो आर्ट मेरे लिए एक मीडियम जिसके थ्रू मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर पाती हूँ रिगार्डिंग डिफरेंट इशूज। हाल ही में उसने जयपुर में मुनक्किदा इंटरनेशनल आर्ट एग्जीबिशन में हिस्सा लिया और अपने फन पारों की नुमाइश की। बिस्मा एक तामीरी सोच की हामिल नौजवान सोशल मीडिया का भरपूर मगर सही इस्तेमाल करके अपने आर्ट की खूब तशरीह करती है और इस तरह मुल्क और बेरून ममालिक अपने मुसव्वरी के नमूनों को पहुंचाती है। हमारे जो हालात होते हैं उन्होंने हमें ऐसा बनाया कि हम खुद अपना एम्प्लॉयमेंट बना सकते हैं एंड आप देखेंगे कि आप में ऐसी ऐसी चीज़ें जो है ऐसी ऐसी पोटेंशियल्स डिस्कवर होंगी जो आपको खुद भी नहीं पता होगी, तो आप खुद अपने लेवल पे कुछ स्टार्ट करें और इससे बाकी सारी इंडस्ट्रीज जो है वो अट्रैक्ट हो जाए हमारी तरह, देखें कि कश्मीर में काफ़ी टैलेंट है जो उनको चाहिए होगा। वो अपने फन के जरिए कश्मीर के हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्टों की तजदीद नाउ करना चाहती है और रियासत के हजारों दस्तकारों की हालत बेहतर बनाने और कश्मीर की सैकड़ों साल पुरानी दस्तकारी की सनत की अहियाए नौ में अपने काम का हिस्सा अदा करना चाहती है। मेरे लिए मुझे लगता है इट्स इम्पोर्टेंट कि जिस मुल्क से या जिस जगह से आप ताल्लुक रखते हो आप उसको रिप्रेजेंट करो।